ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बाप ने अपने 7 साल के बेटे और अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दिया और मौके से बेरहम बाप फरार हो गया। दिल दहला देने वाली घटना घटी है कल्याण में, जहां एक बिजनेसमैन ने अपने 7 साल के बेटे और अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इस क्रूर पति का नाम दीपक गायकवाड़ है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। कल्याण शहर में उनकी नानुश वर्ल्ड नाम से खिलौने की दुकान भी है। प्रारंभिक जानकारी है कि दीपक ने खुद भी जान देने के प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। दीपक गायकवाड़ अपनी पत्नी अश्विनी और 7 साल के बेटे आदिराज के साथ कल्याण पश्चिम के रामबाग लेन नंबर 3 पर ओम दीपावली बिल्डिंग में रहता था। दोपहर में एक रिश्तेदार को फ़ोन कर बताया कि बीवी और बेटे की हत्या कर दी है। रिश्तेदार जब दीपक के घर पहुंचे तो हैरान रह गए। अश्विनी और 7 साल के बेटे आदिराज का शव मिला, लेकिन दीपक फरार हो चुका था। इस घटना की सूचना महात्मा फूले पुलिस को दी गई। महात्मा फूले पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लड़के और उसकी मां के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दीपक गायकवाड़ कल्याण शहर में खिलौने की एक महंगी दुकान नानुज वर्ल्ड के मालिक हैं। महात्मा फूले पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दीपक की तलाश भी कर रही है। दीपक ने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा जब दीपक गिरफ्तार होगा उसके बाद ही हो पाएगा।